लखनऊ परिवहन निगम की बसों में शासन ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों की यात्रा के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था की है, जिसके बाद परिवहन निगम का पत्रकारों ने आभार जताया। सुल्तानपुर में चुनाव जीतने के बाद इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान का जनसंपर्क लगातार जारी है। इसौली विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव के साथ जनता से मिलकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति और बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फोन पर इसौली से बीजेपी को हराने पर बधाई दी जा रही है। सुल्तानपुर न्यायालय एसजे कोर्ट नंबर 8 से साधु उर्फ शिव शंकर तिवारी के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू और 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की गई। आरोपी के दरवाजे पर न्यायालय के आदेश की प्रति पुलिस ने चस्पा की। अमेठी में शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त और लेखा अधिकारी रामेंद्र कुमार मौर्य को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फरवरी के वेतन एरियर और डीए भुगतान की मांग की गई। अमेठी में ब्लॉक जामो के ग्राम सभा बलभद्रपुर में रानीपुर पश्चिम के प्राथमिक विद्यालय में ना तो पीने के लिए पानी है और न ही शौचालय, जिसको देखते हुए सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। अमेठी में विकासखंड बाजार शुक्ल के क्षेत्र के अहमदपुर में पूरे रोशन लाल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में राम जन्म धनुष भंग का वर्णन किया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की झांकी दिखाई गई। अमेठी के महिला थाना गौरीगंज में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के संबंध में समस्याओं को सुना गया, जिसमें एक वैवाहिक जोड़ा राजी खुशी से आपस में एक साथ रहने के लिए सहमत होकर घर गया। बहराइच में थाना दरगाह शरीफ पुलिस और एसएसबी के जवानों ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर पैदल रूट मार्च किया। इस दौरान नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। बहराइच के नानपारा और मटेरा में आगामी त्योहार के मद्देनजर उप जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में धर्म गुरुओं और आयोजकों की उपस्थिति में पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की जानकारी ली गई। गोंडा के मनकापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी रमापति शास्त्री और तरबगंज सीट से प्रेम नारायण पांडे ने एक बार फिर से जीत हासिल की, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बलरामपुर में एमएलकेपीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में चलाए जा रहे वैल्यू एडेड एंड फंक्शनल इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स के लिए प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातक और परस्नातक के लगभग 35 छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। बलरामपुर में रेहरा बाजार थाना के इंस्पेक्टर जयदीप दुबे के कुशल नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं के साथ बैठक की गई, जिसमें वुमेन पावर लाइन 1090, यूपी आपातकालीन 112 एम्बुलेंस और कई जरूरी सेवाओं के बारे में बताया गया। बलरामपुर में भाजपा की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यालय अटल भवन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी, साथ ही महिला कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर थिरकते दिखाई दी। गोंडा जिले में नेचर क्लब फाउंडेशन के लोग प्रतिदिन घायल जानवरों को रेस्क्यू करते हैं और इलाज कर घायल बेजुबानों को निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मुरादनगर सीट में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, साथ ही उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकरों को उतारने की धमकी दी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।